आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी जितने भी सारे भक्त आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी, दिन पर दिन काफ़ी भीड़ होती जा रही है। लोग कहते हैं कि दिसंबर के महीने में भीड़ नहीं होता है, लेकिन इतना भीड़ है कि कोई कह नहीं सकता कि कितना श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप सभी को दिखाते हैं कटरा का नज़ारा, कटरा का यहाँ का सुंदरता का नज़ारा दिखा रहे हैं, त्रिकुट पर्वत दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं माँ का। आइए आप सभी को कटरा कितना सुंदर है। जय माता दी। इस वीडियो में बने ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शन कराते रहें। इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय माता दी, और वीडियो को देखना ना भूलें। तभी आप सभी को पता चलेगा कि यहाँ का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। आइए आप सभी को दिखाते हैं जय माता दी। संख्या बढ़ती जा रही है, ये जो कि आप सभी को लाइव दर्शन दिखा रहे हैं, सुबह का दर्शन रहा है। त्रिकुटा पर्वत का दर्शन कीजिए, अभी आप सभी का दर्शन करा रहे हैं। देखिए जो आप लोग मंदिर देख रहे हैं, ये माँ का मंदिर है गर्भजून गुफा। दर्शन कीजिए जय माता दी, कमेंट में लिखिए जय माता दी। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि ठंडी में बहुत ठंड पड़ेगा, बर्फ़ गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बर्फ़ वर्फ नहीं गिर रहा है, मौसम यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। हम भी आए हैं दिसंबर में, क्योंकि हर साल जुलाई के टाइम में आते हैं माँ के दरबार में। आज दिसंबर में आए हैं, छपरा जिला का रहने वाला हूँ, मुकेश केसरी, एकमा बिहार। माता वैष्णो देवी आए हैं, माँ का दर्शन करा रहे हैं। जय माता को हर चीज़ का जानकारी मिलेगी। जब आप वीडियो देखेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, तभी हम हर जगह जाकर आप सभी को दर्शन करा सकते हैं। जय माता दी। देख सकते हैं श्रद्धालु कितना संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जय माता दी। आज 22 तारीख हो गया, त्रिकुटा पर्वत का दर्शन कीजिए आप लोग। वो देख रहे हैं माँ का त्रिकुटा पर्वत। ये मेन मार्केट है। जब भी श्री माता वैष्णो देवी आइए, शिवखोड़ी जरूर जाइए, क्योंकि शिवखोड़ी जाने में बहुत से पड़ाव में मंदिर पड़ता है। प्राकृति देन है वहाँ का मंदिर, जो कि नौ देवी, जितू बाबा, धनसर बाबा, अब भोलेनाथ का मंदिर है, जो भस्मासुर जो चेटे हुए थे भोलेनाथ का, उसी में विराजमान है भोलेनाथ, जो कि यही गुफा जाता है अमरनाथ, जो कि आप सभी को हम दिखाएंगे। यहाँ पे भूस्खलन होने के कारण बस को हटाया गया है, छोटी गाड़ी यहाँ पे है, मौजूद है, बस स्टैंड है बगल में, यात्रा पर्ची पंजीकरण है। जब यहाँ से यात्रा पर्ची लेंगे तभी आपको यात्रा करने दी जाएगी, नहीं तो नहीं। जब भी श्री माता वैष्णो देवी आई, कभी भी यात्रा कीजिए, अपना आई कार्ड लेकर आइए, आधार कार्ड। ये बंदर महाराज देखिए क्या कर रहे हैं। जय श्री राम। यात्रा पंजीकरण कटरा, जय माता दी। स्टैंड है, कितनी गाड़ी लगी हुई है। दोस्तों यही कहना चाहेंगे, जब भी आइए अपने माता पिता को लेकर आइए, अपने परिवार को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर आइए, सारे भक्तों को लेकर आइए, घुमाइए फिराइए। दुनिया में कुछ नहीं है प्यार से बढ़कर, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सब किसी से प्यार कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, किसी से कोई छल कपट मत कीजिए। जय माता दी। बुलाने कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, यहीं से यात्रा शुरू होता है श्री माता वैष्णो देवी का। इसके बगल में हमारा रूम है जो लिए हुए हैं। जय माता दी। रहेंगे तो मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पहले आप लोग दर्शन कीजिए, उसके बाद यात्रा शुरू कीजिए। जय माता दी। शिवपुरी जाइए तो किराया बस का है 200 रुपया, यदि आप गाड़ी करते हैं तो पर बंदा एक बंदा का पड़ेगा 250, 220, 230, 200, 180, 90, ऐसे ही पड़ेगा किराया आने जाने का। त्रिकुटा पर्वत का दर्शन कीजिए। जय माता दी।
हमारा रूम यहीं पे है, बगल में गली है जो दिखाते हैं आप सभी को। दुबे होटल में बैठ, दुबे होटल में हमारा रूम है। जय माता दी।